सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों, फाइनली मोदी जी ने पबजी को इंडिया से बाहर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग थे जो दिन भर पबजी करते रहते थे, तो दोस्तों मोदी जी ने, भारत सरकार ने पबजी को इंडिया से बाहर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो एप्लीकेशन थी पबजी नाम की जो गेम था, वो अब भारत में बैन हो चुका है। और दोस्तों साथ में 118 एप्लीकेशन और हैं दोस्तों चाइना की, जिनको भी इंडिया में बैन कर दिया गया है। दोस्तों अभी आपको पबजी, जो पबजी मोबाइल नाम की जो एप्लीकेशन है दोस्तों, अभी आपको प्ले स्टोर पर दिख रही होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो वहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। तो ऐसे में दोस्तों जो पबजी लवर हैं उनको एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि दोस्तों कुछ टाइम बाद, अभी उनका जो पबजी चल रहा है तो दोस्तों कुछ दिनों बाद वो प्ले स्टोर से एकदम खत्म हो जाएगा। और दोस्तों जो 118 एप्लीकेशन है वो भी आपको नहीं दिखेंगी। तो दोस्तों कौन सी वो 118 एप्लीकेशन है वो आपको इस लिस्ट में दिख जाएंगी। लिस्ट आपको अब दिख रही होगी, इसमें आपको वो सारी एप्लीकेशन दिख जाएंगी दोस्तों जो बैन कर दी गई हैं। दोस्तों बैन करने का रीजन सिर्फ ये है कि चाइना से इंडिया की काफ़ी ज़्यादा बहस हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अनबन हो चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों भारत सरकार ने फैसला लिया है कि चाइना की जितनी भी एप्लीकेशन है वो अब इंडिया में नहीं चलेंगी। दोस्तों ऐसे में दोस्तों पबजी भी इंडिया में बैन कर दिया गया है। दोस्तों जितनी भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों से परेशान थे, जो दिन भर बच्चे उनके पबजी खेलते रहते थे, ऐसे में दोस्तों उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि क्योंकि अब उनके बच्चे पबजी नहीं करेंगे, ना ही दोस्तों वो अपने पेरेंट्स को परेशान करेंगे। दोस्तों इंडिया में काफ़ी पेरेंट्स हैं जो पबजी को लेकर परेशान थे, अब उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है, मोदी जी ने उनकी पुकार सुन ली है। आपने देखा हो दोस्तों कुछ टाइम पहले मोदी जी ने पहले पब बंद करवाए थे, लेकिन अब उन्होंने पबजी भी बंद करवा दिया है। तो दोस्तों ऐसे में मोदी जी भारत में जितनी पेरेंट्स हैं उनकी पुकार सुनने में लगे हुए हैं। तो लेकिन दोस्तों जो पबजी लवर हैं उनको बहुत गुस्सा आ रहा होगा ये वीडियो देखकर, क्योंकि दोस्तों मैं पबजी के बारे में इतना बोला चला जा रहा हूँ। दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो पबजी लवर हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। लेकिन दोस्तों 118 एप्लीकेशन को बैन करने का रीज़न क्या था? दोस्तों मैं आपको बताऊँ, मुझे सिर्फ यही लगता है क्योंकि दोस्तों भारत का चाइना के साथ बहुत बड़ी अनबन चल रही है, यानी कि कोई भी तालमेल नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों भारत ने चाइना की जो एप्लीकेशन है उनको बैन करने का फैसला कर लिया है। और दोस्तों कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बहुत सी एप्लीकेशन दोस्तों ऐसी भी थी चाइना की कि जिनको लोग अपने फ़ोन में ओपन करते थे, इंस्टॉल करते थे, तो दोस्तों इंस्टॉल करते ही उनके फ़ोन का जो डाटा था वो उनके सिस्टम में आके सेव हो जाता था। दोस्तों ऐसे में काफ़ी लोग परेशान थे कि उनके प्राइवेट और जो पर्सनल डाटा होते हैं वो वहाँ पर सेव हो रहे थे। दोस्तों इस वजह से इंडिया ने चाइना की जो एप्लीकेशन है उनको बैन करने का फैसला कर लिया है, जिसमें पबजी भी आ रहा है। दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो पबजी बैन होने पर खुश हो रहे हैं, और बहुत से लोग हैं दोस्तों जो पबजी बैन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों मोदी जी ने काफ़ी लोगों को झटका दिया है, जो लोग पबजी खेलते रहते थे उन लोगों को मोदी जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। और जो लोग अपने बच्चों से परेशान थे, जो लोग दिन भर पबजी खेलते रहते थे, वो लोग मोदी जी को काफ़ी बधाई दे रहे होंगे कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है पबजी बैन करवा कर। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में, मैंने सोचा आपको बता दूँ कि पबजी अब इंडिया में बैन कर दिया गया है, कुछ दिनों बाद वो प्ले स्टोर से भी हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों पबजी बैन होने के बाद आपको कैसा लग रहा है आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं जानता हूँ काफ़ी लोग दोस्तों मुझे गालियाँ भी देंगे, और काफ़ी लोगों दोस्तों उन्हें खुशी भी हुई होगी वीडियो देखकर, क्योंकि बहुत से लोग पबजी की वजह से परेशान हैं और बहुत से लोगों को दोस्तों पबजी बैन होने पर दुख होने वाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, इसे शेयर कर देना, और अभी तक अगर हम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।